वेरी गुड मॉर्निंग। अभी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन। बेसिक का हम लोग आज मैथ्स देखेंगे, ठीक है। तो मैथ्स में हम लोग क्या देखेंगे, पहला कि किसी भी दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, ठीक है। दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, खाली ट्रिक ध्यान देना। अब जैसे दो नंबर है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 12 × 22, समझे। दो नंबर को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग सिंपल एक ट्रिक देखेंगे, फटाफट देखते हैं, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या है, वन है, करेक्ट, वन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अच्छा छोटा सा एक लाइन बनाएंगे। क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या किया, एक वन का लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर क्या है, उसके बाद टू है, थोड़ा सा स्पेस देने का, और उसको हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे दो लाइन ड्रॉ करेंगे। वन था, वन लाइन, स्पेस दिया, वापस से दो लाइन। अभी क्रॉस है तो हम लोग नीचे आ जाए, क्रॉस के बाद नीचे आ जाने का। यहाँ पे क्या है, टू है, तो टू लाइंस, वापस टू है, वापस ऊपर टू लाइंस। अब यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक। तो जैसे यहां पे कितना पॉइंट आ रहा है, एक दो तीन चार, कितने पॉइंट आ रहे हैं, फोर पॉइंट्स, फोर। यहाँ पे काउंट करेंगे तो अभी यहाँ पे सिंगल करेंगे, यहाँ पे डबल करेंगे, फिर सिंगल करेंगे। तब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना आया, सिक्स। यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, 1 2 2, सो आवर आंसर इज 2 6 4, आवर आंसर इज 2 6 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या किया, वन से स्टार्ट किया, वन लाइन, फिर उसके बाद दो है, दो लाइन ड्रॉ किया, फिर क्रॉस पे नीचे आने का, फिर टू लाइंस, वापस से टू है, टू लाइंस। स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से। क्या गिनना है हमको, पॉइंट्स गिनने हैं। जहां पे भी ऐसा क्रॉस का दिखेगा वो वन पॉइंट हो जाएगा, जहां पे क्रॉस दिखेगा वो वन पॉइंट। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ क्रॉस है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कितना, फोर क्रॉस है। सेकेंड में जब हम जाएंगे तो ये दोनों को काउंट को हमको काउंट करना है, दोनों नंबर्स को, ये पूरे को काउंट करना है। तो पूरा काउंट होगा कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, सिक्स हुआ। यहाँ का काउंट कितना आएगा, 1 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 6 4। तो ये हो गया। इससे हम किसी भी नंबर का कितना भी बड़ा मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं, ठीक। तभी इसके लिए मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, वो होमवर्क कर लो। फॉर एग्जाम्पल होमवर्क में हम लोग देखेंगे कि 23 × 21 सेकेंड, 21 × 33 थर्ड, 41 × 26 22, ठीक है। ये तीन होमवर्क कर लो, फटाफट कॉपी कर लो, ठीक। अभी हम लोग देखेंगे कि किसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है। जैसे हमको पता है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ये तो नॉर्मल टेबल्स हो गए। लेकिन अगर हमको, हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो क्या करेंगे। हमारे पास कोई अगर बड़ा नंबर आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है 25 को 25 से, मतलब खुद से उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक यह है कि लास्ट के दो डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो। लास्ट का 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 5 से कितना होगा, 5 × 5 कितना होता है, 25। तो लास्ट का जो दो नंबर होगा वो क्या होगा, 25 होगा। गुड। उसके बाद ये क्या है, 2 है। इसके बाद क्या आता है, 3। 2 के बाद क्या आता है, 3। तो 2, 2 के बाद आता है 3, एंड 3 × 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आएगा 6, ठीक है।